हे गाइस, सो दिस इज माय फर्स्ट एवर व्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये होने वाला है केदारनाथ यात्रा व्लॉग जो मैं अभी रिसेंटली गई थी। और इस व्लॉग के थ्रू मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, और मैं अपने बहुत ही पुराने दोस्तों के साथ गई थी, लाइक स्कूल टाइम फ्रेंड्स के साथ गई थी। बहुत सालों बाद मिले थे हम, एंड वो सब कोलकाता से आए हुए थे, और बहुत ज़्यादा मज़े किए हमने, बहुत सारी मस्ती करी, एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड कि आपको किस तरीके से जाना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। सो हम निकल गए थे नोएडा से हरिद्वार के लिए रात को 1 तारीख को, एंड उसके बाद हम रुके थे रात में ही, लाइक 4-5 घंटे में हम पहुंच गए थे हरिद्वार, एंड हम वहीं पे रुके थे रात में, एंड देन फिर ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाइज, सो स्टे ट्यून्ड। तो आज हम आ चुके हैं हरिद्वार में, हरिद्वार में रुके हैं, एंड हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर एक्सप्लोर करने के लिए। सो अभी लड़कियां सारी तैयार हो चुकी हैं, एंड इसके बाद हम निकल रहे हैं लड़कों को तैयार करने, क्योंकि उनको ज्यादा टाइम लग रहा है। सो अभी मिलते हैं बाहर आपसे, बाय। निशान जल्दी से तैयार हो जाओ यार, स्माइल देखो व्लॉग के लिए। सो गाइस, हम सब रेडी हो चुके हैं, अभी निकल रहे हैं हम हर की पौड़ी के लिए गंगा घाट, एंड देन हम आपसे मिलते हैं वहीं पे, हमारी पूरी ग्रुप रेडी है। सो गाइस, 2 तारीख का हमने प्लान किया है, हम हरिद्वार में रुकेंगे, एंड वहां पे हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, मस्ती करेंगे, तो आज का दिन हरिद्वार में बिताने वाले हैं हम। गाइस, अभी हम निकल गए हैं यहां से, पहले हमारा प्लान था कि हम हर की पौड़ी जाएंगे, बट थोड़ा सा चेंज है हमारे प्लान में, और हम पहले जा रहे हैं मंदिर का दर्शन करने, मनसा देवी, एंड एक और मंदिर है, कौन सी है, चंडी देवी, तो वहाँ पे जा रहे हैं, और उसके बाद हम वहाँ से हर की पौड़ी जाएंगे। सो बाय। तो हेलो गाइस, हम लोग सब निकल चुके हैं, जिस मेरे जिस दोस्त को बहुत ज़्यादा चुल मची थी ब्लॉग में आने की, वही बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है, अभी आप उसका चेहरा देखिए। निशांत सर, आप अपना चेहरा दिखाइए, संकल्प अग्रवाल, विनीशा, उमा, और ये यूट्यूबर जिसका चैनल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो डू लाइक हर, सब्सक्राइब हर, जितना जितना आप उसे अपना प्यार दे सके बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, तो आगे हम लोग और अपडेट देते रहेंगे, बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गाइस, थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए हैं यहाँ पे मंदिर, ये है चंडी देवी मंदिर, और यहाँ का व्यू देख सकते हो आप, इतनी ज्यादा भीड़ है ना, और लाइक लंबी लंबी लाइन लगी हुई है टिकट लेने के लिए भी, क्योंकि टिकट के थ्रू ही अंदर जाना था, फिर भी हमने सोचा कि चलो यार घूमते हैं, दर्शन वगैरह तो करके ही जाएंगे, एंड भूख इतनी ज्यादा लगी है ना कि सबसे पहले हम जा रहे हैं खाना खाने कुछ, क्योंकि हमें पता है बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, एंड नवरात्रि स्पेशल है, विदाउट अनियन विदाउट गार्लिक मिल रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें ली, और एक ही छोले भटूरे में ना हम सब टूट पड़े थे, एंड गरम गरम इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था ना भूख की वजह से कि पूछो मत, और यहाँ पे अभी आप हम लोगों की मस्ती देखो। यहाँ पे एक और दोस्त भुक्कड़ दोस्त बैठा है, और यहाँ देख सकते हो आप, इसके पेट के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा भुक्कड़ है। कैसा है संकल्प, अच्छा है, एक नंबर। अब पेट पूजा करने के बाद हम लगे हैं लाइन में फाइनली कि हम जल्दी एंट्री ले लें, ताकि जल्दी से हमें दर्शन भी मिल जाए। सो यहाँ पे हम सब लाइन में लगे हुए हैं रोपवे के लिए, यहाँ पे एक ही अकोमोडेशन है रोपवे के थ्रू, उड़न खटोला के थ्रू, क्योंकि मंदिर जो है, एक्चुअल जो मंदिर है वो काफी ऊंचाई पे है, पहाड़ पे है, तो उसके लिए वही एक सिंगल अकोमोडेशन था। सो यहाँ पे हम सब लग चुके हैं, एंड ये है हमारा उड़न खटोला, सो आज हम उड़ने वाले हैं इसमें, एंड बहुत ज्यादा डर लग रहा था, एंड आप देख सकते हो कितनी ज्यादा ऊंचाई पे है, व्यू बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, सो आप लोग भी इसे एंजॉय करो गाइस। बहुत ज्यादा ऊंचाई पे, चाचा को इधर बैठाना चाहिए था, एंड अभी हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बच गए तो दोबारा मिलेंगे। हम उतर गए अपने उड़न खटोला से, और यहाँ पे है मंदिर के बाहर का सारा मार्केट, जहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। जिसका यूट्यूब चैनल है वो अपने आप को दिखाते हुए, शालिनी, तो ये इसी का यूट्यूब चैनल है, चलिए चलिए। और ये जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस लड़की को इस ट्रिप में, इसी लाए क्योंकि ये ब्लॉग में आ सके। मंदिर में एंट्री हो चुकी है, और बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन हमें थोड़ा सा अलग से किसी से बात बात करके हम अंदर आ गए, और यहाँ पे हमने दर्शन कर लिया। ज्यादा यहाँ पे ना क्लिप वगैरह लेना अलाउड नहीं था, बट फिर भी थोड़ा सा मैंने ले लिया, तो आप यहाँ से व्यू देख सकते हो। ये है चंडी देवी मंदिर, और यहाँ पे दर्शन करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो गाइस, हमारे दर्शन हो गए काफी ज्यादा अच्छे से, हम निकल रहे हैं
हाँ भाई तुम लोग भी हो। सब हम यहाँ से निकल रहे फटाफट से, क्योंकि हमें एक और मंदिर का दर्शन करना है, पता नहीं उसके लिए किस तरीके से जाना है क्या है। सो मैं आपको मिलती हूँ वहां पे। गाइज हम हो रहे हैं रिटर्न यहाँ से रोपवे के थ्रू ही, एंड देन हम दूसरे मंदिर पे जाएंगे। सो यहाँ पे फिर से वही व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ओह माय गॉड बहुत ज्यादा ऊंचा है एंड सबकी फट रही है। निशांत की सबसे ज्यादा। अच्छा कैसा लग रहा है निशांत? आग बंद कर ऐसे यहाँ से नीचे कितना मीटर होगा? ओ भाई मत बोल यार, गंदी गंदी बातें बोलता है। नहीं मत पूछना, ऐसी क्यूरियोसिटी आती कैसे है? एडवेंचर की हिल रहे पुछू। मंदिर से निकलते ही हमें दिखा है फ्रूट चाट स्टॉल, जहाँ पे हमने बनवाया एक एक प्लेट बहुत बढ़िया सा, और हमने यहाँ पे एंजॉय किया। सो एंजॉय गाइस। हम निकल गए हैं मनसा देवी मंदिर के लिए, क्योंकि वहाँ की भी बहुत ज्यादा मान्यता है, तो हमने सोचा वहाँ पे भी चले जाएं जब हम सब आए ही हुए हैं तो। और यहाँ पे तो भाई साहब इतनी ज्यादा भीड़ है ना कि लाइन लगानी पड़ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़, और ये बहुत ही सुंदर सा एक झरना भी था जो कि मैंने तुरंत से कैप्चर किया, बहुत सुंदर लग रहा था। एंड यहाँ पे कुछ खाने पीने को निशांत ले रहा है ताकि हम बैठ के आराम से कुछ मंचन करते रहे, खाते पीते रहे। एंड अगेन रोपवे में बैठे काफी देर बाद, लाइक 2-3 घंटे बाद रोपवे में बैठने के बाद हम चले गए ऊपर, क्योंकि ये मंदिर भी काफी ज्यादा ऊंचाई पे है। एंड यहाँ पे सब कुछ अंदर अंदर में है, बिल्कुल मतलब पहाड़ में ऊपर खुला हुआ नहीं है, ये अंदर है, और ये अंदर का मार्केट है। इतनी ज्यादा भीड़ है ना, इतनी ज्यादा, फिर यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ जुगाड़ में लग गए। ये जो मंदिर है इसमें आस्था से ज्यादा बहुत मेहनत है आने की, उसके बाद जाने की, तो जो भी आए बहुत सब्र से आए और लाइन खड़े रहने के लिए आए। सच बोल रहे कृष्णा कि इस मंदिर में ना श्रद्धा और श्रद्धा अपनी जगह है, पर लाइन में खड़े रहने की मेहनत अपनी जगह है। तो ये सब ध्यान रखते ही आप आएंगे, क्योंकि उस मंदिर में हमें टाइम नहीं लगा, इस मंदिर में ऑलमोस्ट हमें अभी तक 3 घंटे हो चुके हैं। आगे का पता नहीं है एग्जिट कितने देर में और होगी, तो आगे का प्लान लगता है आज कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। 6 बजे सुबह आप निकल जाएंगे। अभी हम फिर से यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं, फिर से हमने रोपवे लिया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ मैं और कृष्णा है, और हमें स्पेशल सिर्फ भेजा गया है। इसमें ना 4 लोगों की बैठने की जगह है, लेकिन हमें बोला गया कि आप दोनों ना स्पेशल हो, अकेले जाओ। तो इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, और आप देख सकते हो व्यू कितना ज़्यादा अच्छा है, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। हमने थोड़ा बहुत जुगाड़ किया, थोड़ा बहुत कुछ कुछ, एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम जल्दी जल्दी से निकल जाएं। दोनों मंदिर के दर्शन करने के बाद ना बहुत ज्यादा अंधेरा ऑलरेडी हो चुका है, सो अभी हम निकल गए हैं कि हम चले जाएं कुछ और दर्शन कर ले, गंगा आरती वगैरह देख ले। सो ये है हरिद्वार का पूरा मार्केट जो हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं पैदल पैदल। और हम लोग जा रहे हैं हर की पूड़ी गंगा आरती के लिए, हर की पौड़ी आरती के लिए, जो कि बहुत फेमस है। क्या करे, मजबूरी है, जाना पड़ेगा क्योंकि थक चुके हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी गंगा आरती स्टार्ट हो चुकी है गाइज, और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा भीड़ है, मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ है। आप यहाँ पे पूरा का पूरा व्यू देख सकते हो, तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत जो क्लिप ले पाई वो ले पाई, एंड बट गंगा आरती इज वेरी रिलैक्सिंग, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब आप वहां पे जाते हो, पूरा का पूरा व्यू देखते हो, पूरी आरती सुनते हो ना, 7-8 मिनट की होती है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम पतली पतली गलियों के रास्ते एक ही चाट भंडार ढूंढ के आए हैं, जो कि मैंने बहुत सारे व्लॉगर का देखा था कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड लिटरली ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चाट आपको मिलती है विदाउट अनियन गार्लिक आलू, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, स्टिल ये इतना ज्यादा यम्मी है, इतना ज्यादा टेस्टी है, और बहुत ज्यादा फेमस भी है। सो अगर आप हरिद्वार आ रहे हो ना तो ये चाट भंडार जरूर ट्राई करना, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने कमरे में, और दिन भर की थकान के बाद ना, मतलब ये आप हालत देख सकते हो,
हम अभी पैकिंग भी करने वाले हैं अपने केदारनाथ बैग की, क्योंकि हम दो दो बैग कैरी करके आए हैं। तो अब यहाँ पे सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे एंड देन अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना है। तो देखते हैं कैसा रहता है, क्या क्या करना है। तो आपको मिलेंगे हम सुबह। तो गाइज हम खा रहे हैं यहाँ पे वाई वाई जो विनिशा लेकर आई है नेपाल से। ये एक नेपाल में एक नूडल्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये, और इसमें अलग अलग तरीके के मसाले होते हैं। तो ये हम खा रहे हैं अभी एंड साथ में ये नमकीन जो हमने घर से बनाया था। उसके बाद ये कृष्णा का है, बिकॉज कृष्णा सिर्फ प्लेन ये खाएगी विदाउट मसाला, वो अदर कास्ट की है। सर सीरियसली ले लेंगे लोग यार कि सच में अदर कास्ट है? नहीं नहीं, एक्चुअली वो अनियन वगैरह नहीं खा रही है अभी इस वजह से। एंड देन यहाँ पे हमारा बैग पैक हो चुका है, क्योंकि कल हमें सुबह सुबह निकल जाना है केदारनाथ ट्रैक के लिए। एंड देन यहाँ पे तैयारी चल रही है, यहाँ पे तैयारी चल रही है हमारी हुक्का की, और ये है संकल्प जो इसकी तैयारी प्रॉपर बकायदा कर रहा है। अभी हम बैठेंगे, हुक्का लेंगे एंड उसके बाद देखते हैं हमारी गुड नाइट कब होती है। सो अभी हम इंजॉय करने वाले हैं गाइस, बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो हमारा बैग बिल्कुल पैक है और अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे अभी? साढ़े चार बज चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से गौरीकुंड के लिए, लाइक केदारनाथ यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। सो यहाँ सब लोग तैयार हो चुके हैं, सब लोग आधी नींद में हैं, बस बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं यहाँ से। तो देखते हैं रास्ते में सोते हुए जाएंगे, कैसे जाना है हमें। सो यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं एंड देन अभी मिलेंगे आपको हम रास्ते में। सो यहाँ पे हम सब अपना बैग वगैरह सब रख रहे हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा लगेज भी हो गया था। हम 6 जन हैं, सबके कम से कम दो दो बैग तो हैं ही, तो वो सब कुछ हम रख रहे हैं। उसके बाद हम आधे रास्ते में रुकेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो चाय वाय कुछ हमें पीना है। सो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, तो हम यहाँ पे पी रहे हैं, बिकॉज सुबह सुबह की चाय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज दावत रेस्टोरेंट। तो चाय हमारी बन रही है यहाँ पे, भैया चाय बना रहे हैं। हेलो बोल दो भैया। खारी बिस्किट खाओगे सुबह सुबह? इतना जगह लाते कहाँ से हो? सो यहाँ पे किया हमने चाय एंजॉय एंड भैया ने बहुत अच्छी बनाई है, बहुत ही ज्यादा। सुबह सुबह ना मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया इस चाय को पीने के बाद एंड यहाँ हम सबकी मस्ती देख सकते हो, बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे हम और सारे ही फ्रेंड्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि हम सब ब्लॉग बना रहे हैं और सब कुछ मतलब शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा खुश भी थे। और मैं खास करके, बिकॉज इतने सालों बाद पुराने दोस्तों से मिलके ना गाइज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं भी लाइक कलकत्ता में रहती थी पहले एंड हम सब बहुत ज्यादा मस्ती करते थे, बट अभी इतने सालों बाद के तो पुरानी यादें सारी ताजा हो गई। और ऐसे रोड ट्रिप करना और ऐसे ट्रैकिंग पे जाना इज लाइक फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मजा भी आता है। बीच बीच में हम रुकते रुकाते जा रहे हैं, जो भी व्यू हमें अच्छा सा दिख रहा है उसको हम देखते हुए जा रहे हैं ताकि हम कैप्चर कर पाए और इस पहाड़ों की खूबसूरती को हम देख पाए, इंजॉय कर पाए। सो ये बिल्कुल आप पहाड़ों की खूबसूरती और आसमान देख सकते हो, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था। और मतलब आप जब पहाड़ों में जाते हो ना तो आप उसको फील कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे उतरे हैं बीच में लाइक केदारनाथ, अब बचा है 87 किलोमीटर, जो कि अभी हमें तय करना, ऑलमोस्ट अभी 4 घंटे और लगेंगे। और हम यहाँ पे रुके हैं खाना खाने के लिए, कुछ खा ले बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। और ये आई डोंट नो क्या नाम है इस रेस्टोरेंट का, बट अच्छा खासा है एंड यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, हमने पराठे ऑर्डर किए हैं। सो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा एंड सब लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे, सब लोग वेट कर रहे हैं खाने के लिए, भूख लगी है सबको, भूख लगी है। ये है हम लोग के चाचा जिनका अपना ही स्वैग है, इनका ये अलग ही स्वैग है, ये रहते हैं दुनिया से बिल्कुल अलग, इनके विचार भी सबसे अलग और अनोखे। आगे का लाइन कृष्णा बोलेगी। और पूरे ट्रिप को आनंद मुहे बनाते हुए ये है हमारे चाचा, चाचा दिखाई दे रहे हैं। गाइज यहाँ पे कोरियोग्राफी चल रही है, सब लोग प्लान कर रहे हैं कि कौन से गाने पे किस तरीके डांस करनी है।
आप देख सकते हो ये सब सब यहाँ पे ना बिल्कुल प्रिपेयर हो रही है। देखो कृष्णा को, कृष्णा इज डूइंग द कोरियोग्राफी और वो हमें बता रही है किस तरीके से डांस करना है, रील्स बनाने हैं। तो मे बी होप सो हम बना पाए। अभी नहीं भाई, पहले खा लेते हैं। गर्मा गर्म पराठे आ गए हैं और उसके साथ ये है दाल, जो कि थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन है लेकिन बहुत ज्यादा यमी था। और हम इतने ज्यादा भूखे थे ना कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और जब आप ट्रिप पे जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो खास करके, तो आपको मैगी या पराठे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और उनकी उनका एक टेस्ट ना अलग ही इनहेंस हो जाता है। तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। थोड़े दूर चलने के बाद ही हमें दिखा ये खूबसूरत सा झरना, जो बहुत ही ज्यादा नेचुरल ब्यूटी है ये, आप देख सकते हो। और इसका व्यू मतलब इतना ज्यादा ऊंचाई से ये पानी गिर रहा है, पता नहीं कहाँ से ये गिर रहा है, नहीं इतना ज्यादा सुंदर था। और पानी बहुत ज्यादा चिल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा था। और ये आप पूरा का पूरा मौसम और पूरा का पूरा आसमान देख सकते हो ना, जो पहाड़ों की खूबसूरती है। ये जो झरना है, इट लाइक रियली टेक्स माई हार्ट एंड बहुत ज्यादा इंजॉय किया हमने, बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराए। एंड देन आगे जाके हम लोग रुके कुछ खाने के लिए अगेन, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हम 3-4 घंटे चल चुके हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी और ये भैया से बहुत सारी बातें भी करी जो बहुत जरूरी थी हमारे लिए। हाय गाइज, सो हमने अभी झरना देख लिया, चाय पी ली और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं केदारनाथ की तरफ। अब लाइक 30 किलोमीटर पड़े होंगे अभी, है ना, 30 सोन प्रयाग तक 30 किलोमीटर के अराउंड अभी बचे हैं, वहाँ पे हम कवर करेंगे एंड कोशिश कर रहे हैं कि आज से हम चढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो देखते हैं कैसा पॉसिबल हो पाता है, बट ट्राई कर रहे हैं कि आज हम कर दें एंड जितना हम चढ़ाई कर पाएंगे कर लेंगे, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है एंड जब तक रोशनी है, दिन है, तभी हम कर सकते हैं, इट इज़ सेफ। सो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, किस तरीके से होता है, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। आगे चल के हमें रुकना है कहीं पे जहाँ पे हम फ्रेश वगैरह हो पाए और वहां से हम अपनी चढ़ाई स्टार्ट करने के लिए निकल जाए। तो देखते हैं कहाँ रुकते हैं हम लोग। हाय गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, कहाँ पे हम लोग भी, रामपुर एक जगह होती है जहाँ हमने हॉल्ट लिया है। यहाँ पे एक होटल लिया, बहुत ही छोटा सा बस होटल लिया है ताकि हम अपना सामान रख दें और हम कोशिश करें कि अभी चढ़ाई कर ले। तो हम तो निकल रहे हैं अभी, सब थोड़े थोड़े बस फ्रेश हो रहे हैं कि थोड़ा फ्रेश हो जाए तो चढ़ने में भी बहुत रिलैक्सिंग लगे। और बैग वैग सब पैक है जो हमें लेकर जाना है और हम सब तैयार हो चुके हैं। तो बस देखते हैं अंधेरा ना हो जल्दी और फटाफट से हम निकल जाएं तो शायद चढ़ाई हो जाएगी एंड देन उसके बाद हम बस चढ़ाई करेंगे ताकि हम ऊपर केदारनाथ पहुंच जाए एंड देन अर्ली मॉर्निंग में हम दर्शन कर ले। सो गाइज, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही है, डर भी लग रहा है, डोंट नो क्या होने वाला है। सो आपसे मिलते हैं रास्ते में, बाय बाय। सो हमने चलना शुरू कर दिया है और अभी से ही हमें दिख रहा है कि यार आगे कितना ज्यादा आगे चलना है और बहुत सारी चीजें भी होने वाली हैं। सो बहुत ज्यादा नर्वस है। सो गाइस, हम लोग अभी वॉक कर रहे हैं, हमें जाना था सोनप्रयाग और वहां तक गाड़ी जा नहीं पाई तो हम गाड़ी से पहले ही उतर चुके हैं और अभी हम वॉक कर रहे हैं बाई रोड एंड जाम इतना ज्यादा भयंकर लगा हुआ है कि मतलब पूछो मत। तो अभी बस वॉक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एडवेंचर हो गया ये। सो अभी देखते हैं पहुंच रहे हैं हम, कोई गाड़ी बीच में अगर मिल जाती है हमें छोड़ने के लिए जो सोनप्रयाग गौरीकुंड तक छोड़ दे, क्योंकि वहीं से एंट्री मिलेगी और वहीं से हमें चढ़ाई स्टार्ट करनी है। शाम भी हो चुकी है, उसकी भी टेंशन है कि एंट्री बंद ना हो जाए। सो बस चल रहे हैं, थकान अभी से शुरू होने लगी है, हमें कुछ खाना भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं समझ नहीं आ रहा है, बट यस एंड ये बहुत ही दुखद दुखद जर्नी होती जा रही है अभी तक, पता नहीं क्या होने वाला है, बट बस चल रहे हैं। एंड भीड़ इतनी ज़्यादा है इस टाइम पे भी कि मतलब सारे ही लोग चढ़ाई के लिए जा रहे हैं एंड इस वजह से जाम बहुत ज़्यादा लग गया है। सो फटाफट से हम चल रहे हैं एंड गाइज, हाँ इस चीज़ का तो आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इस टाइम पे आ रहे हो तो। एक तो आज मंडे भी है, किसी भी टाइम पे आ रहे हो तो यस, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अभी चलते हैं, एक बार एंट्री अगर हो जाती है फिर हम आपसे मिलते हैं, बाय। यहाँ तक पहुँच के खुशी तो बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन नर्वस भी बहुत ज्यादा है हम लोग कि किस तरीके से क्या होगा। अभी से ही हमने पैदल चलनी शुरू कर दी है तो अभी हम सोनप्रयाग से यहाँ से हमें एंट्री मिलती है गौरीकुंड जाने के लिए, वहां से कैब मिलेगी एंड उसके बाद हम निकलेंगे कैब से गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड से एंट्री मिलती है मेन केदारनाथ की ऊपर चढ़ाई, जो प्रॉपर पहाड़ों पे जो चढ़ाई करनी है मंदिर के लिए वो वहां से शुरू होती है। तो डोंट नो आगे चल के क्या होने वाला है, हमें लाइक मिलने वाली है एंट्री या नहीं मिलने वाली है, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड इसको देखते रहिए, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हाय गाइस,
हम लोगों को एंट्री मिल चुकी है बड़ी ही मुश्किल से। एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आजमाई है हमने, जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो अब हम यहाँ से गाड़ी लेने वाले हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए तो एंट्री मिल गई है हमें, हमने कुछ एक ट्रिक आजमाई है। वहाँ पे आपकी ना कैंप की बुकिंग होनी चाहिए ऊपर केदारनाथ पहाड़ पे मंदिर के पास, जो हमारे पास नहीं थी। तो हमारे पास एक जानकार के भैया थे जहाँ हमने चाय पी थी ना, तो उनसे हमने कुछ मंगवाया व्हाट्सएप पे, एंड देन हमने पुलिस को वहाँ पे जो थे उनको दिखाया, हमें एंट्री तो मिल गई। आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो गया हम लोगों को कि हमने सोचा कि आज हम चढ़ाई कर लेंगे, बट अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था और यहाँ पे एंट्री करते समय गौरीकुंड में हमें रोक लिया, बोला ऊपर नहीं जाना है, बिल्कुल मना कर दिया। सो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, बट स्टिल जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो ऐसा लग रहा है कि चलो अंधेरा है, रिस्क भी हो सकता है। तो हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे होटल लिया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ हम लोगों को होटल लेने में, बट फाइनली मिल गया है। और अभी सब ऐसे बस पड़े हुए रेस्ट करने वाले हैं, अभी बहुत ज़्यादा थक गए। सो अभी हम लोग रेस्ट करेंगे, अभी खाना वाना खाएंगे नीचे, रेस्ट करेंगे। एंड काफ़ी मतलब मार्केट वगैरह सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट होटल थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा, दो तीन दिन से भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई यहाँ पे। तो बस सब बातें करें अभी, सब बात यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा के थोड़ा रिलैक्स करेंगे। एंड सुबह 3 बजे से यहाँ पे चढ़ाई शुरू हो जाती है, तो 3 बजे से हम शुरू कर देंगे चढ़ाई, ताकि हम टाइम से पहुँच जाए, दर्शन सही टाइम से हो जाए, एंड देन फिर वापस रिटर्न। सो बस ऐसा ही है, सब लोग हेलो बोलो, तो सब थक गए हैं ये भी बोलो। बस ज्यादा हो गया। ओके गाइस, सब मिलते हैं आपसे कल सुबह जब हम चढ़ाई करेंगे तब। आज के लिए गुड नाइट। सो गाइज, यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ इस व्लॉग को, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा भी हो रहा था। बट ये व्यू है ऊपर जब हम लोग पहुंच गए हैं, और ये है हिमालय लाइक ग्लेशियर, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। हम पहुंच गए हैं केदारनाथ अगले दिन। सो ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, नेक्स्ट व्लॉग में। सो स्टे ट्यून गाइज, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।